मिशन फॉर कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन अमृत योजना के तहत नागपुर नगर निगम की ओर से ढाबा एक, ढाबा दो एवं गिट्टी खदान में जलाशय का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले ढाबा एक, ढाबा दो लॉन्च किया। बाद में योगेंद्र नगर गिट्टी खदान जलाकुंभ का शुभारंभ हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर देश को एकमात्र शहर है जिसमें 24 घंटे जलापूर्ति योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। वर्तमान में आधे शहर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति हो रही है। साथ ही गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि नागपुर नगर निगम के सीवेज से आय हो रहा है। इस अवसर पर विधायक प्रवीण दत्त के विधायक विकास ठाकरे, नगर आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी, नगर मुख्य अभियंता डॉक्टर राजू गायकवाड़, कार्यकारी अभियंता श्वेता बनर्जी, अधीक्षक अभियंता मनोज तलेवार, मनोज कुमार, पूर्व महापौर माया इनावटे, पूर्व सत्ताधारी दल नेता संदीप जाधव, पूर्व पार्षद सुनील अग्रवाल, संजय बेंगाले, भूषण शिंगे, रमेश चोपड़े, प्रगति पाटिल, अर्चना पाठक, संगीत गिरहे, दर्शनी धावट, परिणीति फूके, सुनील हिरनवार, विश्वक्रम गालेवांशी सहित नगर निगम के अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।